खंड विकास कार्यालय मुरादाबाद के सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें खंड विकास अधिकारी प्रज्ञा यादव और ब्लॉक प्रमुख मनीष सिंह भी मौजूद रहे। बैठक में मौजूद रहे सभी ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधानों से उनके कार्य क्षेत्र के विकास कार्यों पर सुझाव मांगे गए और दिशा निर्देश भी दिए गए। मुरादाबाद ब्लॉक प्रमुख ठाकुर मनीष सिंह द्वारा कहा गया कि सदर ब्लॉक मुरादाबाद क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों को उत्तम ग्राम पंचायत बनाने पर जोर दिया जा रहा है। जो भी ग्राम प्रधान अपने अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को बता रहे हैं, उन पर प्राथमिकता के साथ कार्य किया जाएगा और उत्तर प्रदेश की विकास नीति के अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों में बेहतर से बेहतर कार्य कराए जाएंगे। कार्यक्रम में मौजूद रही मुरादाबाद विकास खंड अधिकारी प्रज्ञा यादव द्वारा कहा गया कि आज बैठक में सभी ग्राम पंचायत सचिव और ग्राम प्रधानों को आमंत्रित किया गया है। सभी से सुझाव मांगे जा रहे हैं और जहां पर विकास कार्य की गति धीमी है, उन स्थानों पर विकास गति को तेज किया जाएगा। आने वाले दिनों में सभी ग्राम पंचायतों में बेहतर से बेहतर कार्य, पंचायत भवन निर्माण और सार्वजनिक शौचालय के साथ प्राथमिक विद्यालय का कायाकल्प योजना के अंतर्गत उद्धार किया जाएगा। आज हम विकास खंड के सारे जो विकास कार्य चल रहे हैं, जो भी स्कीम चल रही है, उनकी एक समीक्षा बैठक है। थोड़ा सचिव सारे आए हुए हैं तो हम उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, प्रधान जी लोग आए हुए हैं तो उनको सब इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि जो भी काम हमारे बैठने के वो जल्दी से जल्दी कराएं। जैसे अभी रिसोर्स मैपिंग का सर्वे का काम चल रहा है तो उसमें हमारी प्रगति अच्छी है, बट हम चाहते हैं कि और जल्दी से जल्दी ये चीज़ पूरी हो, क्योंकि आयुक्त महोदय इसकी समीक्षा कर रहे हैं तो एक उस पर हमारा फोकस है। और एक पेंशन का जो आधार ऑथेंटिफिकेशन होना है, उस पर हमारा फोकस है। तो हमने वही सबको आदेशित किया है, सबको निर्देश दिया है कि अच्छे से और जल्दी से जल्दी ये सारा काम पूरा करें।